Gujarat National Law University. Photographer. Case 14 session international moot court के इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के लॉ मिनिस्टर संसदीय मंत्री चिकित्सा मंत्री माननीय ऋषि भाई पटेल जी इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर एस शांता कुमार जी रजिस्ट्रार डॉक्टर जगदीश चंद जी एकेडमी हेड डॉक्टर अंजलि तोमर फैकल्टी सेक्रेटरी डॉक्टर गिरीश जी और इस इंटरनेशनल लॉ कोर्ट के इस कंपटीशन में कई देशों से आए लोग के विद्यार्थी भारत से अलग अलग देशों से आए सभी विद्यार्थी मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपने जीवन का करियर लॉ विद्यार्थी के रूप में शुरू किया इस देश का इतिहास जो हम सबके लिए गौरवशाली इतिहास था और दुनिया के अधिकतर देशों के अंदर भी उन देशों के अंदर चाहे आजादी का आंदोलन रहा हो क्या और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए हों उसमें लॉ के पढ़े हुए विद्यार्थियों के जिन्होंने अपना करियर वहां से शुरू किया उन्होंने समाज में व्यापक परिवर्तन की नेतृत्व किया इस गुजरात की धरती से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो कानूनी पेशे के रूप में गए थे और उन्होंने वहां जो अफ्रीका में जो कुछ भी देखा अनुभव किया क्योंकि लॉ से अपना करियर शुरू करने के कारण एक बदलाव एक परिवर्तन का विचार हमारे मन में हमेशा रहता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के बाद फिर भारत के अंदर आजादी के आंदोलन की नई दिशा दी क्योंकि आजादी का आंदोलन तो 1857 से चल रहा है लेकिन उन्होंने इस देश में उस समय के परिप्रेक्ष्य के अंदर सारे देश को एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया और उनके इस आंदोलन को केवल भारत ने नहीं दुनिया के कई देशों ने जो आजादी का आंदोलन लड़ा तो उनकी प्रेरणा राष्ट्रपिता महात्मा कर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल
जिन्होंने उस कठिन परिस्थितियों में आजादी के बाद सारी रियासतों को एक करने का काम किया, और आज ये भारत की विशालता, विविधता, विविध संस्कृति, हमारा विशाल संविधान, उन सब में कहीं ना कहीं लोक करियर से शुरू करने वाले उन नौजवान विद्यार्थियों ने नेतृत्व करने का काम किया। संविधान निर्माण से लेकर और उसके बाद देश के अंदर कानून बनाना, कानून बनाते समय जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून बने, उसके लिए कहीं ना कहीं जितने भी हमारे आजादी के आंदोलन के प्रणेता रहे हों या आजादी के बाद देश के निर्माण में रहे हों, उसमें लोक करियर से शुरू करने वाले उस समय के विद्यार्थियों ने इस राष्ट्र हित के अंदर बड़ा व्यापक योगदान किया, और इसीलिए आप इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर अपना अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण कर रहे हैं, एलएल के बी के बाद एलएलएम की पीएचडी यहां से कर रहे हैं, और जब मेरी कई बार लोक के बड़े वकीलों से, जुडिशियरी अफसरों से जब चर्चा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जज कहते हैं कि नया जो लोका विद्यार्थी आ रहा है उसका टैलेंट बहुत अद्भुत है, उसकी क्षमता, उसको समझने समझाने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, उसका चिंतन, अध्ययन, एक समग्र दृष्टि का विद्यार्थी अब लॉ यूनिवर्सिटी से तैयार है। और देश की जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, आप देखेंगे कि किस तरीके का टैलेंट अभी हमारे इस विश्वविद्यालय के कैंपस से निकल रहा है। अभी सही कह रहा है शांता कुमार जी ने कि ऐसी बहुत सारी डिबेट, चर्चा, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी भारत के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है, और उनकी तर्क, चिंतन, उनकी वाद विवाद और उनका अध्ययन उस विदेशी कानून जो बनाया उसमें भी तर्क के आधार पर उन्होंने उसमें संशोधन किया, ये भारत के विद्यार्थियों की ताकत है। और इसीलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस राष्ट्र के ऊपर है। हमने आजादी के 75 साल के अंदर देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया, हमारे जो नए विद्यार्थी शिक्षण, अध्ययन, रिसर्च, इनोवेशन के माध्यम से अद्भुत क्षमता है, दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारत का विद्यार्थी नेतृत्व कर रहा है, और कई देशों के अंदर वहां पढ़ने वाला विद्यार्थी, इसमें केन्या, तंजानिया गया,
और केनिया तंजानिया में जो वहां विश्वविद्यालय के अंदर जो भारत में पढ़कर गए विद्यार्थी उनसे जो बड़ी चर्चा हुई और जो उन्होंने अनुभव भारत के बताए वे अपने आप में अद्भुत थे। उनका इतना अच्छा शिक्षण अध्ययन प्रशिक्षण और जीवन सीखने का सबसे बड़ा अगर हमारा अनुभव रहा तो भारत में रहा कि अपने विद्यार्थी जीवन में कई सारी चीजें वहां पर सीखी और जिस तरीके के भारत के लोगों ने हमारे पास कई बार ऐसी परिस्थितियों की पैसा खत्म हो जाता था पैसा आने में देरी होती थी तो मैं दुकानदार चाय वाला रेस्टोरेंट वाला होटल वाला उधार दे देता था कहा चलो पढ़ो आप इतना विश्वास भरोसा भारत के लोगों का है। ये जब अनुभव देश के अन्य देशों के भारत के पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अनुभव प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार और हमारे नौजवानों की अद्भुत बौद्धिक क्षमता जिसके कारण आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान भी उपलब्ध कर रहा है और ये टैलेंट मेरे सामने है मैं देख रहा हूं क्योंकि लोग विद्यार्थी और संसद का बड़ा निकट का संबंध है। भारत में संविधान बनाने से लेकर जितने भी कानूनों के अंदर चाहे संविधान के अंदर बदलाव आया हो या देश के अंदर जितने भी कानून बने हो वो भारत की संसद से बने और उसके अंदर हमारे लॉ से पढ़ने वाला विद्यार्थी जो कई अलग अलग क्षेत्र के अंदर कोई सामाजिक क्षेत्र के अंदर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कई एक्सपर्ट के रूप में कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट के रूप में उसका कंट्रीब्यूशन एक बेहतर कानून बनाने के लिए रहा है। इसलिए राष्ट्र के इस निर्माण में आपका सबसे बड़ा योगदान है और आजादी के 75 वर्ष बाद हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए क्या योगदान होना चाहिए इस पर भी हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता। और इसीलिए आपने मूट कोर्ट की इंटरनेशनल मूट कोर्ट की आज प्रक्रिया शुरू की है जो लगातार आप ये 14 सेशन है आपका। इसी तरीके से मूट संसद होती है जब मैं उस मूट संसद के अंदर उन नौजवानों के देश के अलग अलग क्षेत्रों के नौजवानों की चर्चा संवाद डिबेट उनका चिंतन उनका सोच भविष्य का विचार जब मैं सुनता हूं संसद में मुझे लगता है कि क्या टैलेंट है भारत का। हम केंद्रीय कक्ष के अंदर जब देश के अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी उस कंपटीशन में जीत कर आते हैं उनकी जब प्रतियोगिता कराते हैं हमारे जितने भी आजादी के प्रणेता आजादी के बाद भारत के निर्माण करने वाले महापुरुषों पर चर्चा कराते हैं उनके जीवन के बारे में चर्चा कराते तो वो जिस तरीके के विचार उनके जीवन के उनके साथ वर्तमान प्रासंगिक तरीके से रूप से रखते हैं मुझे लगता है कि एक अद्भुत क्षमता का नौजवान भारत और इसी तरीके से आप भी इंटरनेशनल
मूक कोर्ट के माध्यम से जो आपका सेशन शुरू होगा, जिसे अलग डॉक्टरों के अंदर अलग अलग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिसे कर, और जो चर्चा होगी, जो तर्क होंगे, क्योंकि ला का दायरा बहुत बढ़ गया है, जो एक सिविल दायरे में किसी जमाने में होता था, आजकल इंटरनेशनल लॉ की हम समझना पड़ता है, हमें कॉर्पोरेट लॉ को समझना पड़ता है, टैक्स सिस्टम को समझना पड़ता है, लॉ के अंदर दायरा इतना बड़ा है कि हर सेक्टर के अंदर जीवन का कोई भी सेक्टर हो, चाहे मानव अधिकार का सेक्टर हो, चाहे अंतिम व्यक्ति का न्याय दिलाने का प्रश्न हो, सामाजिक परिवर्तन का प्रश्न हो, आर्थिक जीवन के अंदर बदलाव के लिए टैक्स सिस्टम हो, पॉलिसी हो, नीतियां हो, कार्यक्रम हो, हर में कहीं ना कहीं ला का इनपुट बिना आप कानून नहीं बना सकते। आपको कोई भी योजना बनानी होगी, नीतियां बनानी होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं लॉ का आपको अध्ययन करना आवश्यक है, और इसीलिए आपके इस मूक कोर्ट के अंदर जो डिबेट होगी, चर्चा होगी इंटरनेशनल स्तर के कानूनों की के बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपके इस मूक कोर्ट के माध्यम से जब आप अपनी लोगों की पूरी परीक्षा करने के बाद जब जाएंगे, तो एक अनुभवी वकील के रूप में आप जाएंगे, आपका पेशा इस देश में प्रतिष्ठित पेशे के रूप में है, हम कहते हैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जिनकी प्रतिष्ठा भारत के अंदर है, और इसीलिए आपका उतना ही योगदान समाज के कंट्रीब्यूशन में भी होना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने जीवन के अंदर, आज का विषय आपने मानव अधिकार का विषय रखा है, इससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक का न्याय दिलाना, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने में आप उसके सहयोगी बने। इसलिए जब पढ़ते समय भी, पढ़ने के बाद भी, देश में जहां भी आपको लगता है कि अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, व्यक्ति रूप से भी, सामूहिक रूप से भी, सोसाइटी रूप में भी, तो पढ़ते समय ही आपका कहीं ना कहीं समाज के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें आपका क्या योगदान, अपने जीवन के एक साल, दो साल, तीन साल आपको समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को न्याय दिलाना, सम्मान दिलाना, संविधान की रक्षा करना, संविधान के दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को निभाते हुए हम उसके साथ जस्टिस कर सके। भारत में आज कानून का शासन है, हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितनी भी देश की जेलें हैं उन जेल में जाकर भी अध्ययन करना चाहिए कि किस तरीके के केसेज हैं, कब से पेंडिंग है। कई बार आपको लगेगा कि इसके पास धन नहीं है, वकील नहीं है, लीगल एड की बहुत सारी
व्यवस्था होने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं है, आप उसके सहयोगी बनेंगे। और कानून में एक ही जीवन में ध्यान रखना चाहिए, हमारी कोशिश होना चाहिए जिसने कोई अपराध न करा उसको कभी सजा न मिले, उसको न्याय मिले। जिसने जितना अपराध किया उसको सजा मिले, लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया ऐसा एक भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है, विशेष रूप से लोक्य विज्ञान के लिए। निर्दोष व्यक्ति न्याय के अभाव के अंदर नहीं रहे, ये जब इस लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस बात का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से हम जिस मानव अधिकार की बात कर रहे हैं उसमें न्याय दिलाने का बहुत बड़ा पुनीत कार्य करें। दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी विधायी संस्थाएं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, उसमें कानून बनाते समय चर्चा संवाद के अंदर आपका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। कानून बनाते समय, कानून के बाद डिपार्टमेंट में रूल्स बनाते समय, जब कभी पब्लिक डोमेन के अंदर किसी कानून का प्रारूप डाला जाता है तो हमारे लोग के विद्यार्थियों उसको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद हमें लगे कि ये संसद कानून बना रही है तो हमारे चुने सांसद को इनपुट देने की आवश्यकता हो तो इनपुट देना चाहिए, उसको विषय लिख के देना चाहिए, डिबेट करे, चर्चा करे, अच्छी चर्चा करे, संवाद करे, कानून बनाते समय उसकी सक्रिय भागीदारी बने। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के पास बहुत सारे कार्य होते हैं लेकिन उसका कानून बनाना भी सबसे महत्वपूर्ण काम है, और उसमें अगर आपका कंट्रीब्यूशन होने लगा, सक्रिय आपका सहयोग होने लगा तो इस लोकतंत्र में आपकी सबसे सक्रिय भागीदारी इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा आपका योगदान। और इतना ही नहीं, कानून बनने के बाद जब रूल्स बनते हैं, जब डिपार्टमेंट रूल्स बनाता है और उस रूल्स बनाने को पब्लिक डोमेन में डालता है तो भी हमारा उस समय उपयुक्त सुझाव सरकारों को लेना चाहिए और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारे चाहे विधानसभा में तो विधानसभा के माननीय विधायकों को, संसदों संसद सदस्यों को हमें इनपुट देना चाहिए, उनका सक्रिय सहयोग देना चाहिए। हम जितना सक्रिय सहयोग करेंगे उतना ही हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बना पाएंगे, और जितनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी उतना ही लोगों को न्याय मिलेगा, उतना ही मानवाधिकार मिलेगा। इसलिए अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर अगर न्याय दिलाना है तो उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आवश्यक है, यह मेरा आपसे आग्रह है। मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देता हूं कि आपका 14 सेशन जो यहां पर होगा, जिसमें इंटरनेशनल लोग के बारे में, ट्रेड के बारे में, अन्य विषयों के बारे में मूड बोर्ड पर आपकी चर्चा होगी, उसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर देश में डालना चाहिए कि आप किस तरीके से डिबेट करते हैं, जुडिशियल अफसर का क्या सोचता उस समय, एडवोकेट करने वाले वकील का क्या बेहती थी, तो देश के आम जनता को भी विभिन्न लोगों की जानकारी मिलेगी और कानून की जितनी जानकारी देश के आम आदमी को होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा। केवल वोट डालना और किसी सरकार को चुनना इतना ही हमारा काम नहीं है देश के लिए, इस देश के अंदर अगर सक्रिय भागीदारी दिवाली है
देश के लोकतंत्र को सशक्त करना है, मजबूत करना है, शासन में पारदर्शिता लानी है, कार्यपालिका में जवाबदेही लानी है, कानून का शासन और ईमानदार शासन लाना है, तो आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों की आवश्यकता है जो देश के नवनिर्माण में योगदान दे। उस समय के लोगों ने देश की आजादी और आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण में योगदान दिया था। हम इस आजादी के 75 वर्ष के अंदर हमारा और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और जो सरकारें विचार कर रही है कि आने वाले समय में हमारे देश का बना हुआ कानून ही हम पर लागू हो, जितने भी पुराने कानून हो उनको रिफिल करने का काम कर रहे, तो आजादी हमारी जिस दिन होगी, जिस दिन हमारे देश का कानून, हमारी लोकतांत्रिक संस्था बना हुआ कानून, जितने भी पुराने कानून है उन कानूनों की सरकार समीक्षा करे, उसमें भी इनपुट दीजिए और आवश्यकता हो तो बताइए कि ये पुराने कानून जिनको नए बदलने की आवश्यकता है, ये आजादी के पहले के कानून और नए कानून को इस परिप्रेक्ष्य में बनना चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि संसद की प्राइड संस्था आपके साथ हमेशा खड़ी है और दोनों मिलकर ठीक से कानून बनाने में और सही कानून बनाने में अपना अपना योगदान दे पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।